सिंहगढ़ किले के पीछे की कहानी। 1670 में सिंहगढ़ की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रसिद्ध है। इस दिन सूबेदार तानाजी मालोसरे जी के पुत्र रायबा के विवाह की तैयारी हो रही थी। तानाजी मालोसरे जी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आमंत्रित करने पहुंचे, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि कोंढाणा पर छत्रपति शिवाजी महाराज चढ़ाई करने वाले हैं। तब तानाजी मालोसरे जी ने कहा, राजे मैं कोंढाणा पर आक्रमण करूंगा। अपने पुत्र रायबा के विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य को महत्व न देते हुए उन्होंने शिवाजी महाराज की इच्छा का मान रखते हुए कोंढाणा किला जितना ज्यादा जरूरी समझा। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सेना में कई सूबेदार थे, परंतु छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने वीर तानाजी मालोसरे जी को कोंढाणा आक्रमण के लिए चुना और कोंढाणा स्वराज्य में शामिल हो गया। लेकिन तानाजी मारे गए थे। छत्रपति शिवाजी ने जब यह समाचार सुना तो बोल पड़े, गढ़ तो जीत लिया लेकिन मेरा सिंह नहीं रहा। तब से इस किले को सिंहगढ़ के नाम से जाना जाता है और हम लोग नरवीर सूबेदार तानाजी मालोसरे समाधि स्थल के दर्शन करने के लिए आए हैं। चलिए दोस्तों, देखिए हम लोग अभी पहुँच चुके हैं सूबेदार तानाजी मालोसरे के समाधि स्थल देखने के लिए। यहाँ पर चप्पल बाहर ही निकालनी है और यहाँ कर अंदर आकर आप दर्शन कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी हमारे तानाजी मालोसरे के समाधि के दर्शन कर ले। ये देखिए नरवीर सूबेदार तानाजी मालोसरे की समाधि यहाँ पर है, दर्शन कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखे। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर कितने लोग अभी तानाजी मालोसरे समाधि के दर्शन कर रहे हैं, इसीलिए ये किला बहुत ही फेमस है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों किले के ऊपर वैसे तो देखने के लिए बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन हम लोग नरवीर तानाजी मालोसरे के समाधि के ही दर्शन करने के लिए आए हैं। किले के ऊपर आपको 14 पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे। देख सकते हो किले का नक्शा यहाँ पर दिया गया है और कहाँ कहाँ कौन सा पॉइंट है यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए दोस्तों यहाँ का मौसम कितना खूबसूरत है। कभी अगर आप पुणे में आते हो तो इसको ज़रूर विजिट करें। किले सिंहगढ़।